हेलो, नमस्ते, जय माता दी। किचन मम्मी दा में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि चल रहा है तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपी बताएं जिसे हम बना के स्टोर करें और जब भी मन हो तब हम फटाक से फ्राई करके खा भी लें। तो बस मैंने ये बना। अब आप सोचो किस चीज़ का। कुछ नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं है। बस मैंने ना एक बार साबूदाना लिया जिसे मैंने वॉश मतलब धुल के फैला दिए थे, ड्राई हो गए। देन इसे अपना ग्राइंड करके पाउडर करें, एकदम फाइन पाउडर नहीं, हल्का दरदरा रहेगा। इस ओके फाइन, कोई टेंशन नहीं है। बस अभी अच्छे से हो जाएंगे। और साथ में ना अब इसी के बाइंडिंग के लिए हमने मीडियम साइज का आलू लिया है। मेरे पास छोटे छोटे आलू थे दो, तो मैंने 5 कर लिया। तो इसे मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लेने हैं। एंड देन ग्रीन चिली ले लूँ तीखा अपने हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने आधा इंच की इतना अदरक और थोड़ी सी हरी धनिया, अब ये सब डाल। और साथ में व्रत वाला नमक होते ना, सेंधा नमक आप क्या बोलते हो, और ये जीरा था व्रत में जो जीरा खाते हो ना, इसे मैंने थोड़ा रोस्ट करके देन इसे पाउडर कर लिया भून के। तो बस अब इसे अच्छे से मैंने मैश कर लेने हैं सारे आलुओं को, ये देखिए। और हाँ, अगर आप ब्लैक पेपर खाते होंगे काली मिर्च व्रत में तो थोड़ा सा वो भी डाल देना, उसके से ना थोड़ा अलग सा स्पाइसी टेस्टी लगता है। और बस अपने मैं पहले 3 टेबल स्पून के इतना पाउडर डालूंगी ये साबुदाने वाला। देन इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले देखेंगे कि मतलब कि एक बाइंडिंग हमें चाहिए जैसे। तो बस मैंने मिक्स किया, मुझे ना आलू ज़्यादा लगे तो मैंने फिर ना थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के इतना और डाल दिया। एंड देन इसे अच्छे से एक फाइन, और ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, अगर आप सोचो चिपक रहे हैं बिल्कुल नहीं चिपकते, और ना बहुत मज़े के लगते। आप ना इसे बना के ना तो जैसे स्टार्ट हो बना के फ्रिज में रख दो, जब चाय के साथ या वैसे भी बस तेल में डालो, फ्राई करो, जैसे होते ना बच्चों के फ्रेंच फ्राइज ये सब, बस एज अ इट इज़ वैसे ही बनते। बस मैंने एक चकले पे ऑयल ग्रीस किया, एंड देन इसे ना हाथ से पैर थोड़ा सा फ्लेट करके देन साइड का भी अच्छे से ये देखिए ऐसे कर करके एक शेप देने, मेरे को सिर्फ स्क्वायर शेप देना है इसे। अगर आपके पास स्क्वायर शेप में कोई बर्तन होगा उसमें डायरेक्ट कर देना, तो आपको साइड का शेप देने में झंझट नहीं होगा। ये देखिए कैसे मैंने सबको शेप दे दिया। तो बस अभी प्रॉपर और थिकनेस आप देख सकते कैसे है, बस ऐसे करना। और अभी से आपको जिस शेप में काटना है उस शेप में काटो, तो मैं तो फिर स्क्वायर शेप में काटे, और इतना मज़े करते हैं, इतना क्रिस्पी हो जाते हैं ना पूछो मत। अंदर तो सॉफ्ट रहेंगे, अंदर अंदर एकदम सॉफ्ट, ऊपर इतना क्रिस्पी। और इसे ना आप स्टोर करना, सबसे बड़ी बात ना तो हमें कितने काम होते व्रत पूजा पाठ तो टाइम नहीं मिलते, तो बस ये हम बना के पहले से स्टोर करके रख देंगे तो बहुत ही मज़े के रखते हैं। आप देख सकते हैं क्या इतना थिकनेस रखना है। और बस अब तेल डाल के मैं गरम कर ले रही हूँ तब से, और फिर ना इसमें डालेंगे। और ना आप सोचो ये मतलब कि चिपकेंगे या कुछ, बिल्कुल नहीं चिपकते, बस आपको इसके फ्रीज करके रखना पड़ेगा एक जिप ब्लॉक बैग में या डब्बे में, किसी में फिट कंटेनर टाइप का डब्बे होते हैं ना जो एयर ब्लॉक, वो वाले में आपको फिट रखना है बस। और ये देख मैंने ऐसे करके रख, और देन इसे फ्राई करेंगे। और ये कलर देखिए आप कितना मज़े का लग रहा है, कितने मज़े के। बस इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करने में, और इतने मज़े के लगते हैं आप कि मैं जरूर आप ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करें। और ना आपको अगर आप बनाएंगे तो मुझे इंस्टा पे भी या टैग करके बताना आपको कैसी लगी। और वाकई इतने मज़े की रेसिपी होती है, हुई हुई कुछ आप देख सकते कितने, और ये कैसे फूल गए आप देखेंगे तो। बस ये हरी चटनी है, और साथ में मैंने टमाटो केचप बनाया है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।